हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे क्रिकेटर की बात करेंगे जिसने बहुत संघर्ष करने के बाद 1983 में टेस्ट मैच में स्थान पाया। दो टेस्ट मैच खेले, 3 इनिंग्स खेली, 20 रन बनाए। कितने? 20 रन। और उसके लिए 2 घंटे पिच पर रहा और उसे भारतीय टीम से बाहर निकाल दिया गया। पूरी देश के जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने इस खिलाड़ी को स्ट्रोक लेस वंडर ऐसा कमेंट किया, ऐसा व्यंग का बाण उसके ऊपर पत्रकारिता जगत ने, स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने फेंका कि वो धराशायी हो गया। लेकिन उसके सपने जिंदा थे, वो फिर लग गया। उसने एक संकल्प लिया कि मैं अब तक डिफेंसिव खेलता था, अब मैं आक्रामक रूप से खेलूंगा। अभी तक मैं रक्षात्मक खेलता था, अब मैं आक्रामक खेलूंगा। यह निर्णय उसने लिया और दूसरे दिन से उसने फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी। सुबह 5 बजे उठकर के वो क्रिकेट मैदान में जाता और एक प्रण लिया कि मैं प्रतिदिन 300 छक्के मारने की प्रैक्टिस करूंगा। शाम को जब वो घर वापस आता तो कभी उसके हाथों के ग्लव्स में खून के भी धब्बे रहते। ये चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। 1987 में इस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया और अचानक एक नया सेंसेशन भारतीय क्रिकेट टीम में आया। पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 79 गेंदों में 73 रन 5 छक्कों के साथ लगातार 5 वनडेज में 5 हाफ सेंचुरीज। पूरे देश का मीडिया, स्पोर्ट्स मीडिया इस खिलाड़ी की तारीफों में पुल बांध रहा था। और दोस्तों, वो जो स्ट्रोकलेस वंडर वाली कटिंग उस खिलाड़ी ने अपने रूम में लगा करके रखी थी, जो उसे दिन रात प्रेरित करती थी आगे बढ़ने के लिए, इसने इन स्टोरीज को काटा और उसके ऊपर जाकर के चिपका दिया। निकाल दे अपने दिल से हर डर को, नजारे मिलेंगे फिर तेरी नजर को। दामन भर देगी दुनिया ये सितारों से तेरा, दुनिया देखेगी इस उभरते हुए हुनर को। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के इस चहेते क्रिकेटर के लिए ये लाइनें जिसे दुनिया नवजोत सिंह सिद्धू के नाम से जानती है। सफलता जिसके पीछे चलती है, क्योंकि उसके साथ आत्मविश्वास रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास आत्मविश्वास की पूंजी है तो आपको सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। सफलता आपके पीछे आएगी क्योंकि आपके पास संकल्प की शक्ति है, आपके पास आत्मविश्वास है, आपके पास कड़ी मेहनत करने का जज्बा है। आप भी आगे बढ़ सकते हैं यदि आपके साथ ये सब बातें हैं।